नमस्कार, मैं विकास सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर सीखेंगे अल्फाबेट मिसिंग सीरीज, मतलब मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। आपने अभी तक इनके क्वेश्चन इस प्रकार से सीखे होंगे कि यहां पर जब भी ऐसा एक क्वेश्चन आता था तो आप उसको ऑप्शन पुट आउट करके क्या करते थे, उनका आंसर देने का प्रयास किया करते थे। लेकिन आज हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसकी सहायता से विद इन सेकेंड हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, और वो भी विदाउट ऑप्शन, यानी कि बिना ऑप्शन के। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ यहाँ पर टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखने वाले हैं। आप उनको बड़े ध्यान से देखिएगा और उनको प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिएगा, आपको उनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो जब भी मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, वहां पर फिर एक पेयर क्रिएट करेंगे, यानी कि जोड़े को बनाएंगे। कैसे कि हम जब भी वहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे, और यहाँ पर जब भी मिसिंग अल्फाबेट सीरीज की क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो पेयर बन रहा होगा, जोड़ा बन रहा होगा, बनेगा चार चार के पेयर में, या तीन के पेयर में, या पांच के, या छह के। इन पेयर में यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और मैंने जो सीक्वेंस दिया है, चार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर तीन का, फिर पांच का, फिर छह का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उनके फैक्टर बनाएंगे इन नंबरों की सहायता से। कैसे कि जैसे सपोज यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर आया तो 16 के इन नंबरों की सहायता से कौन से फैक्टर बनेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर 4 × 4 कितना हो गया 16, यानी 4 × 4 फैक्टर 3 × 4 या 4 × 3। ठीक है, तो हमें ये दो ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक सीरीज आ जाती है। ऐसे ही हमारा अगर नंबर आता 15 तो हमें क्या करना पड़ता, 3 × 5 या 5 × 3, यानी कि 5 × 5 = 3 फैक्टर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अब इसको अप्लाई इस प्रकार से करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 16 नंबर थे, यानी 4 × 4 के 4 फैक्टर यहाँ पर चेक करने हैं। कैसे, तो यहाँ पर 4 × 4 = 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, यानी 4 × 4 फैक्टर बन गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ रिलेट करेंगे, पहले नंबर पर ए आ रहा है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, यानी यहाँ पर इन तीन की सहायता से ए को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो सेकंड नंबर पर ब्लैंक है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यानी यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स को रख सकते हैं। अब जैसे ही एक्स रखा है ये कंप्लीट हो गया। अब इसी फॉर्मेट के आधार पर इसको बनाते हैं, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड और ए एक्स वाई जेड, इस किसको रखा, तो एक्स ए जेड वाई वाई, आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये इस प्रकार से फॉर्मेट दिया गया था, तो हमने काउंट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ लेटर हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 लेटर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 4 × 4 के पेयर 4, 4, 4 और 4, पहले नंबर पर क्या रहा है, बी बी बी, यहाँ ब्लैंक है, तो ये जैसे ही बी रखा ये कंप्लीट हो गया, बी सी ए ए, इसी के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं, तो बी सी ए ए, यहाँ बी सी ए, यहाँ बी सी ए, इस किसको फिल किया, ए सी ए बी, कौन सा ऑप्शन है, ए सी ए बी सी ऑप्शन, आंसर हमारा हो गया सी। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिएगा ए डैश बी डैश, यहाँ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर से 16 आ गए, यानी कि 4 × 4 के फिर से हमने पेयर यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब देखिएगा पहले नंबर पर ए आ रहा है, यहाँ ए, यहाँ ए और यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर जैसे ही ए रखा ये फिलअप हो गया,
यहाँ भी दूसरे पे सी, यहाँ ब्लैक, लेकिन तीसरे पर बी और यहाँ पर भी बी, यानी एक नंबर मैच हो गया। अब देखिएगा कैसे रिलेट करेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें अगर पहले नंबर पर बी है तो यहाँ पर भी बी रखते हैं, तो देखिए कंप्लीट हो गया बी सी डी, यहाँ पर भी इसको बी सी डी कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्या है बी सी डी हो जाएगा। अब जब पहला तीसरा और पांचवा सेम हो गया तो दूसरा चौथा और छठा भी सेम हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ ये हमें करेक्ट मिल गया ए सी ए, ऐसे ही हम इसको फिल कर देंगे ए सी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी ए। अब आप देखोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ए सी बी सी सी ऑप्शन है। आपने देखा यहाँ 19 अक्षर थे तो क्या हुआ एक अक्षर हमारा छूट गया, यहाँ पर एक अक्षर छूट गया। अगर आप इसे छह छह के पेयर में भी बनाते तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं छह छह में बनाते हैं और छह छह में भी बड़े आसान तरीके से आंसर निकल आता है, ठीक है। छह छह के जोड़े में आप इसको निकाल के देखिएगा आंसर आपका निकल के आएगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन अठारह, यानी कि तीन तीन का फिर से पेयर बनाते हैं तीन 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 तीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा पहले पर ब्लैंक है, यहाँ भी है और यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भी है, यहाँ ए, यहाँ डैश, यानी कि पहले का क्या दूसरे के साथ रिलेशन बन रहा है, यहाँ दूसरे पर भी है नहीं बनता, लेकिन पहले का तीसरे के साथ बन रहा है, दूसरे नंबर पर भी, यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी। तो यहाँ हमने रिलेट किया इसके थ्रू ए बी सी है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए बी सी, यानी पहला तीसरा और पांचवें के साथ रिलेशन बन गया, तो दूसरा चौथे और छठे के साथ रिलेशन क्या बनेगा बी सी ए, बी सी ए और यहाँ पर क्या जाएगा बी सी ए, यानी ए बी ए सी बी, ए सी बी कौन सा ऑप्शन है हमारा ए, तो सॉरी बी ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यानी सोलह है तो चार चार का पेयर बनेगा, चार चार और चार। अब देखिए जरा यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, तो यानी कि पहले का तीसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो दूसरे नंबर पर बी है, यहाँ पर ब्लैंक है, यानी यहाँ पर भी हम बी रख सकते हैं, ए डबल बी है, ए डबल बी ए। अब तीसरे को दूसरे को चौथे के साथ रिलेट करेंगे, पहले नंबर पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ ए, यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर हमने ए को रख दिया, तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, आंसर हो गया ए बी बी ए, आंसर हो गया ए बी बी ए। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तीसरा टाइप और आता है यहाँ पर जो है सर्कुलर ब्रिज, ये टाइप देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कैसे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किया ई क्यू आर डैश डैश आर एस पी आर एस डैश 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 ई क्यू डैश, तो सबसे पहले काउंट करते हैं चार चार आठ चार बारह और चार सोलह, यानी कि सोलह है तो कितना पेयर बनेगा चार चार के चार जोड़े चार 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 और चार। लेकिन आप देखोगे यहाँ पहले नंबर पर पी है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ आर है, यहाँ एस है, उसमें भी नहीं है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर पी है, डैश है, फिर आर है और यहाँ एस है। सी सर्कुलर बेस्ड जब होगी तो हमारा पैटर्न इस प्रकार से बनेगा कि जब भी हमें चार लेटर दिए गए हैं, मतलब पी क्यू आर एस, तो सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इस नंबर से स्टार्ट हुआ था, इसको ड्रॉप आउट किया, दूसरा क्यू आर एस पी, यानी पहले नंबर पर क्या आ जाएगा क्यू आर, ठीक है क्यू आर एस पी। अब इस नंबर को ड्रॉप आउट किया, आगे चलते हैं आर एस पी क्यू, आर एस पी इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। अब यहां पर इसको ड्रॉप आउट किया तो एस के बाद एस पी क्यू आर आंसर हो जाएगा, एस यू पी क्यू आर, एस यू पी क्यू आर हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन है,
जो लीक से अटके क्वेश्चंस होते हैं इसलिए के सेशन में आते हैं, इनका कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार से फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके सामने एक हिंट है, वो देखिएगा कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेयर गिनने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर किस प्रकार से पेयर बनेगा वो देखिएगा, यहाँ ए डैश ए डैश बी, फिर चार बार ए आया डैश, फिर चार बार डैश आया और ये डैश बी। यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सीरीज में एक लेटर बार बार भर रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ दो बार ए आया है, एक बार बी रखते हैं, यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बार ए आया, एक बार ए को और इंक्रीज किया बी, यानी कि यहाँ पर कितना था, दो बार ए दिया है, फिर तीन बार ए दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है चार बार ए तो यहाँ बी आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा पांच बार ए आएगा और बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ए बी ए, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी फॉर्मेट आपको देखने मिल सकता है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फॉर्मेट माने जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है एक लेटर कोई ना कोई क्या हो रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ए डैश सी ए डैश बी सी ए ए डैश सी और ए ए डैश ए बी सी और ए डैश ए ए ए बी सी, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ही आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपने देखा यहाँ पर कि ए डैश सी था तो हमने यहाँ पर बी रख के देखा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बन गया। अब देखिएगा यहाँ पर तीन का पेयर बना यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तीन ए इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार ए को इंक्रीज करके देखा तो ए बी सी हो गया, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। तो तीन ए लग रहा है, फिर हमने यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पर ए एक बार था ए बी सी, यहाँ ए दो बार आया फिर बी सी, फिर यहाँ ए तीन बार आया बी सी, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा ए चार बार आएगा फिर बी सी, चार बार ए बी सी, फिर आगे गए तो यहाँ ए कितने बार आएगा पांच बार आएगा और बी सी, तो क्या हो गया ये बी बी ए ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या पैटर्न है, तो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस आ गया, यानी कि चार चार के पांच पेयर बनाते हैं ये। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ए आ रहे हैं डैश आ रहे हैं सी आ रहा है, यहाँ दो बी आ रहे हैं है ना पहले नंबर पर ए फिर डैश, यहाँ पर क्या आ रहा है दो सी आ रहे हैं, मतलब क्या है कि एक नंबर दो बार आया, एक लेटर दो बार आया है, उसके बाद दूसरा लेटर दो बार आया, फिर तीसरा लेटर दो बार आया है, तो यहाँ पर ए ए क्या रख सकते हैं बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए दो बार बी आ गया फिर सी, ऐसे यहाँ पर ए बी फिर दो बार सी सी। अब आगे क्या होगा, आगे इस प्रकार से फिर से कंटिन्यू करेगा, क्या दो बार ए आएगा और की बार क्या आएगा दो बार बी आएगा, तो रिलेशन क्या बना बी सी ए बी, बी सी ए बी हमारा ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ए बी सी ए डैश बी सी ए ए बी डैश सी ए डैश बी बी सी डैश ए, ठीक ए डैश बी सी ए बी डैश सी, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी एक बार आ गया, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है डैश लगा हुआ है, बी सी आ रहा है, फिर दो बार ए आ रहा है, फिर यानी कि यहाँ पर ए इंक्रीज हो रहा होगा, ए इंक्रीज हो रहा है, दो बार ए आ रहा है तो दो बार ए हमने यहाँ पर भी रख दिया, ए बी सी मिल गया हमें, लेकिन और आगे गए तो यहाँ ए के बाद बी के बाद डैश मिल गया, तो यानी यहाँ पर सीरीज का पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनना है कि यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल लेटर दें, उसके बाद क्या हुआ कि एक नंबर जो शुरुआत में फर्स्ट लेटर है वो दो बार आया ए बी सी, अगला लेटर क्या हुआ जो सेकंड लेटर है बी उसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए दो बार आ चुका था तो बी बी सी, और आगे चले तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि ए दो बार आना चाहिए, बी दो बार आ चुका है, अब की बार क्या आएगा
सी आएगा, यानी कि क्या हो गया हमारा ए बी ए सी, और ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैंने आज आपको यहाँ पर मिसिंग अल्फाबेट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए समझाए, जिसकी सहायता से आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो सेक्शन आगे हम लोग लाएंगे तो वो होगा अल्फाबेट सीरीज का। तो तब तक आप लोग बने रहिएगा अपने चैनल पे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, टॉपिक पसंद आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपको सीख पा रहे हो, ठीक है। और आप अपना शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा हमारे साथ इस अपने चैनल पे, इसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। ओके, थैंक यू।